प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज दिनांक 25 मार्च को पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना डेली राशिफल लेकर। लेकिन आज जिस हालात में हम सभी लोग कोरोना नामक महामारी के दहशत से जूझ रहे हैं, तो उस दहशत को कम करने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार द्वारा दी जा रही सभी गाइडलाइंस को सच्चे मन से उनका पालन करिए, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। इस महामारी को जिस तरीके से इसने इटली की जनसंख्या को प्रभावित किया है, इटली और ईरान में हाहाकार मचाया है, उस दहशत को हम तक ना पहुंचाए और सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इसके कम से कम हानि को सहते हुए इस कोरोना नामक वायरस को हमेशा हमेशा के लिए भारत भूमि से खत्म कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आधे से अधिक हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है या धारा 144 लगी हुई है। कोरोना के चक्कर में सारे काम धंधे लगभग बंद हो गए हैं, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं कोरोना की दहशत के कारण। तो उस समय हम सब लोगों को अपना समय अपने परिवार के साथ हंसी खुशी व्यतीत करते हुए उनसे और ज़्यादा नज़दीकी संबंध बनाने के काम में लाना चाहिए, ताकि हमारे जो अपने परिवार जनों के साथ संबंध है उनमें और अधिक दृढ़ता आ सके, जो फिलहाल इसलिए नहीं आ पा रही थी कि हम सभी लोग कामकाजी लोग होने की वजह से अत्यंत वर्कलोड के कारण, काम के अधिक घंटों के कारण हम अपने परिवार को समुचित समय नहीं दे पा रहे थे। तो कोरोना नामक वायरस की वजह से आज हम अपने परिवार के ज़्यादा नज़दीक हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो इस विपत्ति के समय में भी आप अपना धैर्य न खोएं, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि हम शीघ्रता शीघ्र कोरोना मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज 25 मार्च सन 2020 दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, ब्रह्मा योग है, रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण है और आज का जो राहु काल है वह 12:27 से लेकर दोपहर में 1:59 तक शाम को बना रहेगा। राहु काल के दौरान आप अपने जो नए कर्म कोई करना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं, उसको ना करें। इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या उनके जीवन का कोई महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप चाहते हैं इस दिन पर मैं आपको कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजूं, तो आप हमारी जो ऐप है मोबाइल ऐप उसको डाउनलोड कर वहाँ पर अगर आप अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं निश्चित रूप से आगे से हमेशा आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज देता रहूँगा। हमारी ऐप की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डिटेल हमें भेज दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको पर्सनलाइज बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या अन्य शुभ अवसर के मैसेज या फोटो आपको भेज सकें। तो आइए शुरू करते हैं कैसा रहेगा आज का ग्रह गोचर। तुला राशि वालों, आपका जो आज का दिन है वो आपकी जीवन साथी के मूड के साथ स्विंग कर रहा है। तो जैसा आपका जीवन साथी आपको नचाएगा, जैसा आपके साथ व्यवहार करेगा, वैसा ही आपका आज दिन गुजरने वाला है। पितृपक्ष के लोगों के साथ अगर आप आशीर्वाद लेकर, माँ के साथ आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आज का दिन और अधिक शुभ रहेगा। बड़े भाई का आदर करते हुए, किसी भी संत पुरुष का, विद्वान पुरुष का, आचार्य का, योग्य
आध्यात्मिक पुरस्कार सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में और अधिक खुशहाली आएगी और ऐश्वर्यशाली बनेंगी। माँ का आशीर्वाद निश्चित रूप से आज आपको मदद कर रहा है, तो उनका आशीर्वाद लेकर चलें, अपने जीवन में निश्चित रूप से खुशियाँ को महसूस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अपना फोकस अपनी बुद्धि पढ़ाई लिखाई पर लगाएं, काम आने वाली है, आज की पढ़ाई आपके लिए व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप जो भी मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आगे चलकर आपके काम आने वाली है। फिर भी जो स्टूडेंट्स ऐसा महसूस करते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते या पढ़ाई लिखाई में उनका मन ही नहीं लगता, सामने किताबें रखी होती हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, बिना किसी झिझक के अपने माता पिता के साथ स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे ईमेल, फोन कॉल, वीडियो कॉल या पर्सनली मिलकर आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके हर बार पिछले साल से ज़्यादा नंबर आया करेंगे हमारे छोटे मोटे उपायों को करने के पश्चात। देखिए बात करते हैं प्रेमी युगल की, तो जो प्रेमी युगल हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी माँ का आशीर्वाद लें और प्रेम संबंधों के मसले में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। यहाँ तुला राशि वाले व्यक्ति हो, अगर आप बीमारी से बचने का जितना प्रयास करेंगे आपके लिए उत्तम है। समय अनुकूल नहीं है बीमारी की दृष्टि से, तो कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, जोड़ों का दर्द हो, गठिया का दर्द हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो वो आपको परेशान कर सकता है, या यूरिन से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपकी गठिया या जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो आप एक बार हमारे एक छोटे से उपाय को करके देखें, तो हम इस उपाय को बहुत सारे लोगों पर और स्वयं अपने ऊपर आजमा चुके हैं। अभी पीछे जब हमें जोड़ों के दर्द की शिकायत हुई अचानक से और हमने दुनिया भर के जितनी भी औषधियाँ हैं लगभग सबको इस्तेमाल कर लिया जो टेलीविजन पर दिखते हैं या उनको देखते हैं, मगर हमें किसी से रत्ती भर के बराबर भी फायदा नहीं पहुँचा। फिर हमने उसका एस्ट्रोलॉजिकली जब उपाय ढूंढा तो बहुत साधारण सा उपाय निकला। उस उपाय को करने के पश्चात वो बीमारी, पिछले 3 साल हो गए इस बात को, मात्र 3-4 महीने हमने उस उपाय को किया, एक ही बार करना होता है, जड़ से गायब हो गई जोड़ों के दर्द की, जो बहुत भयंकर दर्द हमारी उंगलियों में, हाथों के जोड़ों में हो रहा था, पैरों के जोड़ों में हो रहा था, वो अचानक से 3 महीने के बाद पिछले 3 साल से तो गायब है, आगे की तो प्रभु ही जाने। तो आप बिना किसी चीज के अगर इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो हमारा एक छोटा सा उपाय करना है, कोई दवा नहीं खानी, कोई औषधि नहीं देते हम, आपकी जन्म कुंडली या आपका चेहरा देखकर कोई उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होना चाहिए, ऐसा हम महसूस करते हैं, बाकी तो हरी इच्छा है। जय श्री देव, मैं विनीता लक्ष्मी नगर से, और काफी टाइम से हम काफी परेशान थे काम को लेकर के, अपना कोई भी काम नहीं बन रहा था उसको लेकर काफी परेशान थे। मैंने यूट्यूब पे गुरु माँ की वीडियो देखी थी, तो मैं यहाँ पर आई थी नौकरी के लिए आई थी, यहाँ पर गुरु माँ ने मेरी कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद में मुझे बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक रिंग भी बनवाई है ये, तो उसके बाद हमारे सारे काम बनने लग गए। टाइम टाइम से गुरु माँ ने जो मार्गदर्शन किया, जो बताया वो हमने किया, उस तरह से करते रहे हैं, तो उससे हमारे सारे काम बनने लग गए। जैसे कि मेरा अभी जॉब भी अच्छा हो गया, मेरे काम नहीं बन रहे थे, काम बनते बनते रुक जाते थे, तो वो काम सारे बनने शुरू हो गए, अच्छे काम बन रहे हैं। दूसरा, मेरा मकान का कई सालों से मकान का नहीं बन पा रहा था, काम बनता था, लास्ट मोमेंट पे आते आते वो कैंसिल हो जाता था, नहीं हो पा रहा था, तो वो काम बना, आज हमारा अपना मकान हो गया, रजिस्ट्री हो गई और हम इसी हफ्ते में शिफ्ट करने वाले हैं, गुरु जी की कृपा से, गुरु माँ जी की कृपा से, और सब कुछ देख रहे हैं, देखते देखते सारे काम बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और गुरु माँ के आशीर्वाद से आगे भी सब अच्छे। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगी कि आप लोग एक विश्वास से एक बार गुरु माँ गुरु जी को अपनी कुंडली दिखाइए और अपनी परेशानियों के उपाय जरूर करवाएं, क्योंकि मुझे फायदा हुआ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी वो फायदा जरूर हो। शनिपीठ मंदिर इष्ट पटेल नगर आए, गुरु जी और गुरु माँ को अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का उपाय एक बार जरूर करवाएं। जो आपके जीवन साथी हैं उनके बारे में हम एक बात जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जो राशि है उस राशि के अंदर जीवन साथी से ज्यादातर तनाव रहता है, सबसे ज्यादा आपके और जीवन साथी के मध्य तलाक के केस, पुलिस केस, कोर्ट केस आप दोनों के ही मध्य देखेंगे, या मारपीट के केस जो है आपके ही मध्य होते हैं,
आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए बिना किसी झिझक के जीवन साथी से संबंधित एक रतन की अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवा कर अवश्य धारण करें। अगर आपको ऐसी अंगूठी नहीं मिल पा रही है तो बिना किसी झिझक के आप यह अंगूठी अपनी साइज के हिसाब से हमारे यहाँ बनवा कर मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवा कर पूरी दुनिया में किसी भी कोने में घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य की दृष्टि से कुछ उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर भी हालात अच्छे नहीं रहेंगे आपके लिए, कार्यस्थल के हालात शुभ नहीं हैं। आमदनी में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आमदनी कम हो सकती है। आप तुला राशि वाले लोगों के लिए मैं जो लव टिप्स देना चाहूँगा, तुला राशि वालों से कहना चाहूँगा, आप शमी का जो पेड़ है उसकी जड़ को 3 दिन के लिए अपने सिरहाने के नीचे रखें सोते समय, तो निश्चित रूप से आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको मनोवांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है प्रेम संबंधों के मसले में, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित कर अपनी परेशानियों के लिए उपाय प्राप्त कर सकते हैं। जय शनिदेव।